दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज आपके लिए फिर मैं एक ऐसी शानदार वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी बीमारी है या कोई भी आपका अंग खराब हो गया किसी कारणवश, तो इस मुद्रा से, योग मुद्रा, मैं बता रहा हूँ 71 प्रकार की मुद्राएं हैं। इन 71 प्रकार की मुद्राओं में से मैं आपको एक मुद्रा को बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा को अगर आप सुबह सुबह करते हैं या दिन में कभी भी, आपको जिस प्रकार से आपको टाइम मिलता है, चलते बैठते उठते, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी पे हैं, आपको कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसको 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस योग को कर सकते हैं। इस प्राण मुद्रा को करने से हमारे शरीर के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई थकावट है, अनिद्रा है, रक्त से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी बीमारी से आपको कमजोरी आ गई है, तो अगर आप इस प्राण मुद्रा को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी अद्भुत एक शक्ति शरीर में संचारित हो जाएगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपका जो सबसे बड़ी बात है रोग प्रतिरोध क्षमता, ये जो है प्राण मुद्रा जो है इसका पहला काम है रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और मैं आपको बताता हूँ इस मुद्रा को कैसे करते हैं। ये जो अपना हाथ है, इस हाथ की ये अंगुली है छोटी वाली, एक अंगूठा है और ये वाली, ये इस प्रकार ये देख लीजिए, इस तरीके से हमें बनाना है ये हाथ, इसकी ये अंगुलियां इस प्रकार। आपको ये मुद्रा बनानी है। इस मुद्रा को हम चलते उठते बैठते कहीं भी, कोई परहेज नहीं है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर अगर 45 मिनट तक रोज नियमित रूप से हम अगर इसको करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कभी कोई रोग छू नहीं सकता। अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का रोग अगर है तो इससे वो ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। और किसी पैरालाइज से संबंधित कोई रोगी है, अगर उसमें शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो आप इस प्राण मुद्रा को कर सकते हैं। प्राण मुद्रा की शरीर हाथ के अंदर पहला ये होता है, इस अंगूठे के स्थान होता है अग्नि का, अग्नि का स्थान होता है, ये जो अंगुली होती है इसी वायु का स्थान होता है, और ये जो अंगुली होती है ये आकाश का स्थान होता है, और ये जो होती है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व से संबंधित अंगुली होती है, और ये जो होती है जल। हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से पूरे शरीर का कंट्रोल हमारे शरीर का चलता है। और अगर हम नियमित रूप से अगर 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा को करते हैं, एक बार फिर देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत ही अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। आप कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। मेरे देश के जितने भी सरकारी अभी कर्मचारी कोरोना काल से अंदर ड्यूटी लग रही है, चाहे वो किसी पुलिस प्रशासन संबंधित आदमी हो या डॉक्टर से संबंधित आदमी हो या कोई किसी प्रकार का सेवक हो जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभा रहा है, उन सबको सलूट और जय हिंद। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले तो आप 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस प्राण मुद्रा कर सकते हैं। आपके शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो आपको जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और सहायता मिलेगी। मेरे देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्राण मुद्रा को 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक करें। सबके पास समय है, समय का सदुपयोग करें और अपने देश से इस कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करें। जय हिंद, जय भारत।